अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अब हम जाने लगे हैं शॉपिंग पे और देखने लगे हैं कि दर्जी को शमीज़ फाइनली आज मिल जाएगी डाई होकर, तो वो उसको देनी और साथ और भी हम शॉपिंग करेंगे। लीना साथ जा रही है तो कोई ना कोई खर्चा तो होगा ही होगा। तो चले आपके साथ लेके चलते हैं, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद लीना। आज थोड़े लीना, तुमने सैन के सिस्टर पे क्या लिखा है? सैन डॉगी, देखो डॉगी की स्पेलिंग गलत है। लीना डॉगी की स्पेलिंग नहीं आते। कहीं भी जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम आजकल क्या होता है? पेट्रोल डलवाने का। वो कर रहे हैं गाड़ी के, बिल्कुल लाइट चल गई हुई थी, तो पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। मैंने जब भी बाजार वगैरह जाना होता है बाल बंद कर लेती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है। फिर तो वाह शुक्र है 40 मिनट लगे हमें गाड़ी पार करने से, हम पहुंचे इतना रश। अम्मी का वाला सूट है, वो पिंक वाला। अरे तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। हमारी आई है अपना सूट देने के लिए। कितने क्यूट है स्वान्स यार, स्वान्स बहुत क्यूट है। फ्लावर्स भी हैं और लोग भूखे भी मार रहे हैं मुझे। बटरफ्लाईज वाले कितने क्यूट हैं ये, ये ग्रीन है, ब्लू और वाइट है। सूट दे आई अपना? जी दे आई हूँ। अच्छा कितने प्यारे प्यारे एयरिंग्स हैं, आई लव देम। ये देखिए कितने प्यारे हैं। बहुत क्यूट है ये वाली, है ना? दिस विद दिस है ना। अब लीना यहाँ से निकल के यहाँ आ गई है। कितने क्यूट हैं बच्चों के हेयर बैंड्स, और ये हमारे पास तो बच्चा है नहीं देने के लिए, लेकिन ये बहुत क्यूट है यार। वहाँ पे देखा कितने क्यूट नेल्स पड़े हुए हैं। लीना तुम्हें चाहिए? लीना यहाँ नेल्स, उसका नेल्स बहुत पसंद है लीना। ये यार ब्लैक वाले तो बहुत विकेट लगेंगे, पिंक वाले अच्छे हैं ये। हाँ ये तो बिल्कुल चुड़ैल लगोगे। हाँ तुम पोनियाँ घुमाती हो ना, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है। सारी खप और लोगों में धक्के खाने के बाद हम गाड़ी में आ गए हैं। यहाँ पे पहले 40 मिनट हमें कोई जगह नहीं मिली, हम 40 मिनट यहाँ पे लीना और मैं चलते रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें पार्किंग मिली है। हमें एक कोची की रिंग मिली है। नाइस। लेकिन ये तो बात क्या है ना, उसके बाद अंदर चले गए, फिर वहां भी लोगों ने इतने धक्के मारे मुझे, तो बस हम धक्के धुक्के खा के भाग गए। अब क्या हो सकता। और गाइस मैं दोबारा अपनी मंजिल पे आ गई हूँ कार्डमम टी लेने। अपनी कहाँ पे आए हैं हम, प्रमोट नहीं करते टोटल पार्क को, लोगों को नजर आ गया। चलो प्रमोट कर देते हैं टोटल वालों, याद रखना टोटल वाले भी याद रखेंगे, किसी सेलिब्रिटी ने उनको किया था प्रमोट। कुरकुरे मिलते हैं यहाँ से? मिलते हैं लेकिन 50 रुपए वाले 400। जेबीज में आइसक्रीम वगैरह देख लो, तो मेरी तो चाय हूँ। अब ये हम ले रहे हैं मारियो के लिए आइसक्रीम। ये मेरे बचपन के चिप्स है चिल्स, बचपन में हमेशा इनको अपने छोटे टाइम खाती होती थी चिल्स, और तुम्हारे बचपन में कौन से कर ली। अभी हम ले रहे हैं मारियो के लिए आइसक्रीम। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं घर आई थी, मैं घर आके बड़ी थक गई थी, तो मैंने क्योंकि मैं जाने से पहले रोज़ा खोलते साथ हुसैन को पढ़ाया था 2-3 घंटे, क्योंकि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं ओ लेवल्स के, तो उसको पढ़ाने के बाद फिर वहाँ चले गए। वहाँ से आके मैं बहुत थक गई थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। तो अभी मेरी एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था, आई थिंक उनका नाम है ईशाज लाइफ स्टाइल, तो मैं उनका कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मेरे को 4-5 व्यूअर्स हैं जो कंसिस्टेंटली मेरी वीडियोस देखते हैं और उन पर आते हैं। एक तो अभी जिन्होंने आज कमेंट किया था ईशाज लाइफ स्टाइल हैं, एक स्टैबिंग के नाम से थी उनका यूज़र नेम था, मुझे उनका नाम नहीं पता, और उन्होंने भी मेरी वीडियो पर कमेंट किया हुआ था। और इस तरह एक आई थिंक एम्बर भी थी। तो इस तरह जो लोग बार बार मेरी वीडियोस पर आते हैं, मैं उनको देखती हूँ, मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ,
और आप सबके लिए मेरे दिल से बहुत बड़ा थैंक यू है कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। अब देखिए, मेरे को बड़ी यूट्यूबर से होनी जिसके लाखों में व्यूज़ आने हैं, कोई 50 मैक्सिमम 100 आ जाते हैं दिन के, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि यार जितने लोग देख रहे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं। आप लोगों का एक मैसेज आ जाता है ना तो मुझे अगली वीडियो बनाने का एकदम जज्बा शुरू हो जाता है, वरना कभी कभी मैं लो फील करती हूँ कि इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन आप लोगों के साथ जो मेरी फैमिली बन गई है, जो लोग मेरी वीडियोज़ पर कमेंट्स करते हैं, लिटरली मैं उनको लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और आप लोग मुझे ब्लॉग्स बनाने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने सक्सेस दी और कभी कोई बड़ी यूट्यूबर बनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आप लोग जो ये लोग हैं ना 4-5 जो मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त, मैं आपको हमेशा याद रखूँगी, ठीक है, हमेशा याद रखूंगी। लोग, मैं हैरान होती हूँ कि जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स बड़े होते हैं, गिव अवेज करते हैं, रैंडमली ऐप्स के ऊपर से लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी कभी भी। मैं सोचती हूँ कि जो लोग आपके साथ तब थे जब कोई भी नहीं था आपके साथ, तो आपको उनको गिव बैक करना चाहिए। तो मेरे पास जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर याद रखूँगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे से स्किन केयर के बारे में पूछ रही थी, या कोई भी आप लोगों का मेरे से ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो मेरा चैनल है जी शिज़ा ब्यूटी, मैं यहाँ पे उसको कोई लिंक वगैरह भी इसका शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सारी ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई लुक्स वगैरह क्रिएट करूँ तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं चांद तारा से जो आयजा खान की लुक है मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो रिक्रिएट करूँ। तो इस तरह जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं मुझे देते रहें, और इस तरह प्यार करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब थैंक यू हो गया, अब सैरी का टाइम होने वाला है, तो अब सोच रही हूँ कि सैरी कर लूँ, भूख बड़ी लग रही है लेकिन समझ नहीं आ रही है सैरी क्या करूँ। 15-16 रोज़े हो गए ना, अब हर चीज़ सैरी में करके देख ली, अंडे भी खा लिए, कबाब भी खा लिए, पैटी भी खा लिया, हर चीज़ खा लिया, अब चिकन पैटी जो होता है केनेंट्स का, अब तो समझ ही नहीं आती है क्या खाएं। देखती हूँ जाके और जो मिलता है खाते हैं और रोज़ा रखते हैं, और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर तक। इसको देखें कैसे लेटा है। बेम्बू कैसे लेती हुई हो? ओ गुस्सा चढ़ गया। ये मेरी आज की सहरी तैयार है, ये कोई चप्पल कबाब टाइप पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो उसको मैंने थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट करके फिर इसको फ्राई किया है, साथ मैंने लेटस लगाई है और मायो और केचप, और ये तैयार है। तो सैन की आज आप सहरी देखी, 4 मीठे टोस्ट। मेरे व्यूअर्स कह रहे थे सैन इतना मीठा कैसे डाइजेस्ट करता है, मतलब सहरी में मीठे टोस्ट और इफ्तारी में जलेबियाँ, क्या कहना चाहोगे तुम इस चीज़ के ऊपर? खा रहा है मैंने मीठे डोस, मैंने एक बाइट लेके देखा ये इतने मीठे हैं ना कि बस डाइट ही सारी खराब हो गई मेरी। और सैन यहाँ पे कह रहा है कि तुमने व्लॉग बनाया हुआ था हाउ टू ईट एवरीथिंग एंड स्टे स्लिम, तो फिर सब कुछ खाओ और पतली रहो। तो उस वीडियो के अंदर मैंने क्वांटिटीज की बात की हुई है, ये नहीं कि 4 ये खा के भी आप पतले रहे, इस तरह की दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं बनी। क्लिक बेट नहीं किया उसके अंदर, सब कुछ खाया मैंने, लेयर से कुकी भी खाई है, सारा कुछ खाया, लेकिन एक क्वांटिटी बताइए लोगों को। लोग अब प्लीज़ आप जाके वीडियो देखें और फिर बताएं इसको, अब चुप कराएं जरा हुसैन जी। तो गाइस अब नमाज भी पढ़ ली है, अब बस सोते और आप सुबह मतलब बात करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बतानी है जिसकी वजह से मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ, आपको शोखी नहीं मारी कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं ना तो कभी भी शिफॉन का दुपट्टा लेके ना पढ़े, क्योंकि मैं ये मेरा दूसरा जो नमाज वाला दुपट्टा है वो बंधा हुआ था, तो फिर मैंने ये ले लिया, लेकिन इसने मुझे इतना तंग किया नमाज पढ़ते पढ़ते, एक जगह से ठीक होता था तो फिर बालों से निकल जाता था, तो इसे फ़ोन के दुपट्टे के साथ आप बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ सकते। अस्सलामु अलैकुम गाइस, अब सुबह हो गई है और अभी बस मैं हुसैन को पढ़ाने लगी हूँ, उसको पढ़ाना था आज, पढ़ाती तो खैर रोज़ हूँ लेकिन आज मैं उसको सुबह पढ़ा रही हूँ, वरना मैं उसको इफ्तारी के बाद पढ़ा देती हूँ। लेकिन आज सुबह पढ़ाने की वजह यह है कि आज मैंने इफ्तार पे तो नहीं, इफ्तार के बाद डिनर पे कहीं जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो इसीलिए वो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अभी पढ़ा दूँ ताकि बाद में फिर मैं आराम से इंजॉय करूँ, मुझे ये ना कि मैंने सैन को आज काम नहीं कराया। तो बस अभी इसको पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इफ्तार आज मैं बहुत लाइट सा ही करूँगी, आई थिंक फ्रूट चाट या कैलियंस के साथ कोई खजूर वगैरह लाइट सा करूँगी, क्योंकि उसके बाद डिनर हैवी करना है, बाहर जाना है। तो अब देखती हूँ इफ्तार में क्या करती हूँ और आपको अपडेट करती हूँ, तो देखते रहिए ये व्लॉग। ये कौन है मेरी तरह जो पढ़ाते पढ़ाते या खुद पढ़ते पढ़ते फ्लावर्स बनाता था बचपन में, और अभी भी मेरा तो इतनी आदत है, मैं जब भी कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं ये, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही गंदी है, हद से गंदी है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देती हूँ।
तो अब हुसैन ने फरमाइश कर दी है कि उसने बर्फ़ी खानी है इफ्तार में, तो अब मैं और अम्मी जा रहे हैं जलाल सन से उसके लिए बर्फ़ी लेने, तो चलें अब बर्फ़ी लेके आते हैं। चॉकलेट बर्फ़ी लिए कि प्लेन बर्फ़ी? अम्मी चॉकलेट लिए कि प्लेन? प्लेन लिए चॉकलेट। आज हमारे पास इफ्तार में है मज़ेदार चटपटी हुसैन की फेवरेट, उसकी फरमाइश में बनी है आज बिरयानी। तो गाइस हमारे आज का इफ्तार टेबल तैयार है हुसैन के लिए बिरयानी, मेरे लिए दही भल्ले। मैंने वैसे ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि मैंने आगे भी जाना है डिनर पे, और ये सब की इफ्तारी आज की तैयार है मज़ेदार सी। और ये जो मैं और अम्मी बर्फ़ी लेने गई थी वो वाली बर्फ़ी, और ये अभी कल की चिकन पॉकेट्स भी ला कर रखी हैं थोड़ी सी जलेबी, तो काफ़ी हमारा स्टार टेबल फुल हो गया। ये हमारे नेबर ने आबे जमजम भेजा था, तो ये अब मैं पीने लगी हूँ थोड़ा सा इफ्तारी में। बिरयानी की प्लेट दिखाओ, पहाड़ बनाया हुआ पूरा, 5 बर्फी और 2 गुलाब जामुन, तुम अकेले खा रहे हो? ओह माय गॉड जायंट। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ फिनिश। अब मैंने आगे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो आप आके देखें कल के व्लॉग में, वो मैं कल के व्लॉग में डालूंगी सारा शोवल। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही, कब मिलते हैं आपसे एक कल के व्लॉग में, कल के एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग के लिए मैं आपको यहाँ पे करती हूँ अल्लाह हाफिज़।